कुछ महीने पहले फिल्मी पर्दे पर आपने अनुष्का शर्मा के अभिनय से सजी फिल्म सुई धागा तो देखी होगी। ये फिल्म उन महिलाओं के लिए थी जो अपना खुद का कारोबार शुरू करने के लिए समाज की रूढ़िवादी परंपराओं को तोड़कर मेहनत करती हैं और समाज के लिए प्रेरणा भी बनती हैं। जी हाँ, आज हम आपको मिलाते हैं एक ऐसी महिला से जिसने समाज के तानों को अनसुना कर अपनी सफलता की इबारत लिखी और सिलाई मशीन से अपना कारोबार भी शुरू किया। यूपी के मुरादाबाद की रहने वाली शमा अंजुम ने अपने कारोबार से न सिर्फ परिवार की आर्थिक हालत सुधारी बल्कि अपने बच्चों को भी पैरों पर खड़ा किया। पति का साथ देने के लिए शमा ने घर में ही कपड़े सिलने का काम शुरू किया और जब शमा को कारोबार में मुनाफा हुआ तो उसने गरीब लड़कियों को प्रशिक्षण देना भी शुरू किया। इस दौरान शमा को बड़ी बड़ी कंपनियों से ऑर्डर मिलने लगे। मतलब बहुत लोगों ने ऑब्जेक्शन भी किया मेरे लिए कि आप क्यों कर रही हो, ऐसा क्या जरूरत है, सब कुछ है, जरूरत नहीं है इसके करने की। तो बस मैंने कहा नहीं करना है, तो बस बाद में प्रॉब्लम्स बहुत आई लेकिन मैंने किसी को नहीं सुनी, अब बस आगे बढ़ती चली गई। जो है प्रॉब्लम्स तो बहुत आती हैं वैसे भी मुस्लिम लोगों में। मम्मी को तो 25 साल से लगभग काम इस लाइन में हो गया, इस फील्ड में काम करते हुए, लेकिन जो है उस टाइम हम बच्चे थे, छोटे थे, तो इतना सपोर्ट नहीं कर पाए मम्मी को। तो यही सोचा है मैंने कि अब मम्मी के साथ ही लगना है, पूरा सपोर्ट करना है, बिजनेस को आगे लेके जाना है, काफ़ी बढ़ाना है बिजनेस को अपने। शमा के जीवन में अच्छा वक्त आया ही था कि उसी समय उसके पति की मौत हो गई, लेकिन फिर भी शमा ने हार नहीं मानी। पूरी जिम्मेदारी रही अब तक, हस्बैंड को तो पैसे भी बहुत बीमार, 7-8 साल तो बीमार रहे लगभग वो, तो उनका भी पूरे दवाई का भी देखना, उनकी मतलब देखभाल भी करनी, उनकी दवाइयों वगैरह का भी सब देखना, कि घर की जिम्मेदारी भी, बच्चों की जिम्मेदारी बहुत रहा, लेकिन उसके साथ भी काम नहीं छोड़ा मैंने, काम रेगुलर रहा। जी हमें 19 साल हो चुके हैं यहाँ पर काम करते हुए और पहले से काफ़ी बदलाव है। पहले यहाँ बहुत मतलब 4-5 कारीगर काम करते थे, आज मतलब 15-20 कारीगर काम करते हैं, काफ़ी काम बढ़ा है। मुश्किल वक्त में भी हौसला छोड़ने के बजाय उन्होंने लड़ने का फैसला किया और आज वह अपने हाथों से बने कपड़ों को विदेशों में एक्सपोर्ट कर रही हैं। आज शमा भारत तक ही नहीं बल्कि यूरोप तक अपना हुनर दिखा रही हैं। तो बहुत अच्छे सेट हो गया था क्योंकि करते करते इतना एक्सपीरियंस भी हो गया था, फिर इतने अच्छे से सेट हो गया, सारे वर्कर लग चुके थे तो इतनी प्रॉब्लम नहीं आती थी। जी जी वो तो है, प्रेशर तो है ही, अभी बायस की फैक्ट्री की रिक्वायरमेंट भी आ रही है कि हमें फैक्ट्री चाहिए। शमा उन महिलाओं के लिए एक प्रेरणा है जो मुश्किल आने पर भी अपनी हिम्मत नहीं हारती हैं। शमा ने जो शमा जलाई है उसके उजाले से उनकी जिंदगी का अंधेरा तो दूर हुआ ही, साथ ही कई घरों में भी उन्होंने रोशनी की।